अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब दोस्तों। आज की वीडियो अनबॉक्सिंग करने वाले हैं टेक्नो स्पार्क 7 प्रो के छोटे भाई टेक्नो स्पार्क 7 की। इन दोनों डिवाइसेज की प्राइस में तकरीबन 2000 रुपए का डिफरेंस है। स्पार्क 7 प्रो आपको 20,999 रुपए के रिटेल प्राइस के साथ मिलता है, जबकि टेक्नो स्पार्क 7 आपको 18,999 रुपए के रिटेल प्राइस के साथ अवेलेबल है। 2000 रुपए का प्राइस डिफरेंस है और इसके साथ आपको स्पेसिफिकेशन और ओवरऑल जो डिवाइस का लुक है उसमें भी डिफरेंसेस मिलते हैं। तो आज क्यों दोस्तों टेक्नो स्पार्क 7 को अनबॉक्स करेंगे, देखेंगे इस डिवाइस में आपको क्या स्पेसिफिकेशन मिलती है और साथ में क्या एक्सेसरीज दी गई हैं। इसके साथ साथ हम इसी वीडियो में टेक्नो स्पार्क 7 और स्पार्क 7 प्रो की जो स्पेसिफिकेशन और लुक है उसके अंदर भी कंपैरिजन करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर वॉच कीजिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो वक्त जाया के बिना लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड। ओके दोस्तों, ये है टेक्नो स्पार्क 7 का बॉक्स। सामने की तरफ टेक्नो की ब्रांडिंग है, स्पार्क 7 लिखा गया, 6000 mAh की बैटरी और G70 प्रोसेसर को मेंशन किया गया। 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज है और कलर है हमारे पास मैग्नेट ब्लैक कलर। बैक साइड पे कुछ हाइलाइटेड फीचर्स को मेंशन किया गया। तो जल्दी से करते हैं दोस्तों बॉक्स को अनरैप। ओके दोस्तों, बॉक्स हमारा अनरैप हो चुका है, तो बॉक्स को यहां से कर लेते हैं ओपन। तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग है दोस्तों। सबसे ऊपर हमें मिलती है हमारी डिवाइस टेक्नो स्पार्क 7, इसको रखते हैं साइड पे और मजीद देख लेते हैं यहाँ पर बॉक्स में और क्या चीज़ें आपको मिलती हैं। तो यहाँ पर एक चार्जिंग ब्रिक आपको दी गई है टेक्नो की ब्रांडिंग के साथ और यहाँ पर रेटिंग की अगर बात करें तो 5V 2A वाली चार्जिंग ब्रिक है। इसके अलावा आपको एक चार्जिंग केबल मिल जाती है माइक्रो USB वाली, साथ में आपको हैंड फ्री भी दिए गए हैं। एक पिन दी गई है सिम ट्रे को निकालने के लिए। इसके अलावा कुछ पेपर वर्क है टेक्नो की तरफ से। 13 मंथ का वारंटी कार्ड आपको मिल जाता है और साथ में आपको एक बैक कवर मिल जाता है, हार्ड प्लास्टिक का है और कुछ इस तरह का डिज़ाइन है इसका। जी तो दोस्तों, अनबॉक्सिंग आपने देख ली, अब आ जाते हैं अपनी डिवाइस की तरफ। तो दोस्तों ये है टेक्नो स्पार्क 7 MediaTek Helio G70, 16MP डुअल कैमरा, 6000 mAh की बैटरी, 6.5 इंच डॉट नॉट स्क्रीन, सुपर नाइट मोड और ब्लूटूथ ऑडियो शेयर को यहाँ पर मैंशन किया गया। तो डिवाइस को निकाल लेते हैं यहाँ से बाहर। तो यह जनाब टेक्नो स्पार्क 7 और ये है इसकी बैक साइड। तो ये बैक स्टिकर है, इसको भी रिमूव कर लेते हैं यहाँ से। ओके दोस्तों, बैक स्टिकर जो है रिमूव हो चुका है। तो यहाँ पर आप डिज़ाइन देख सकते हैं टेक्नो स्पार्क 7 का। फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात करें तो इस साइड पे आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती हैं। ऊपर की तरफ कुछ नहीं दिया गया। इस साइड पे आपको मिल जाती है सिम ट्रे, नीचे की तरफ आपको माइक, माइक्रो USB पोर्ट और 3.5mm का जैक मिल जाता है। फ्रंट साइड पे ड्यू ड्रॉप नॉच है और फ्रंट कैमरा दिया गया है। बैक साइड पे आपको डुअल कैमरा सेटअप मिल जाता है, साथ में क्वाड LED फ्लैश है, रियर फिंगरप्रिंट सेंसर है और टेक्नो स्पार्क लिखा गया है यहाँ पर, ब्रांडिंग दी गई है। तो सिम ट्रे को निकाल कर देख लेते हैं यहाँ पर सिम्स की क्या सिचुएशन रहने वाली है टेक्नो स्पार्क 7 में। तो यहाँ पर दोस्तों फुल फ्लैज सिम ट्रे आपको मिल जाती है, डुअल सिम के साथ आप एक माइक्रो कार्ड का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो डिवाइस को यहाँ से ऑन कर लेता हूँ और जल्दी से करता हूँ इसको सेटअप और उसके बाद मिलते हैं। ओके दोस्तों, डिवाइस हमारी कम्प्लीटली सेटअप हो चुकी है टेक्नो स्पार्क 7। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसकी फुल ब्राइटनेस दिखा देता हूँ। तो ये इसकी फुल ब्राइटनेस है और ठीक ठाक है ब्राइटनेस, आउटडोर विजिबिलिटी भी आपको ठीक मिल जाएगी, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट में अगर आप इसको यूज़ करोगे तो वहाँ पर हो सकता है थोड़े बहुत आपको इश्यूज़, अगर आप मल्टीमीडिया देख रहे हो या गेम खेल रहे हो तब आपको इश्यूज़ आएंगे, अदरवाइज़ नॉर्मल अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उस वक्त आपको ठीक यहाँ पर विजिबिलिटी मिल जाएगी टेक्नो स्पार्क 7 में। यहाँ पर दोस्तों रेयर फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिल जाता है, तो इसको चेक कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी क्विकली रिस्पॉन्स करता है, तेज़ी से फ़ोन जो है हमारा अनलॉक हो जाता है। फेस अनलॉक की बात करें तो फेस अनलॉक भी काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर वर्क कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ जो है यहाँ पर अनलॉक हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले एंटीटू के एप्लीकेशन में आते हैं और यहाँ पर आपको मैं स्कोर दिखा देता हूँ और उसके बाद जो है स्पेसिफिकेशन भी देखेंगे और साथ ही हम स्पार्क 7 प्रो के साथ इसको कंपेयर भी कर लेंगे। तो स्कोर की अगर बात करें तो 1,96,000 करीब जो है इसका स्कोर आ रहा है। CPU GPU मेमोरी और UX का स्कोर आप लोगों के सामने है। मल्टी टच टेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर जल्दी से और देखते हैं कितने मैक्सिमम टचेस को ये डिवाइस जो सपोर्ट कर सकती है। तो 5 यहाँ पर स्कोर आ रहा है, मैक्सिमम 5 टचेस को एट अ टाइम ये डिवाइस जो है सपोर्ट कर सकती है। अब दोस्तों कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले बॉक्स की अगर बात करें तो स्पार्क 7 और स्पार्क 7 प्रो दोनों में सेम बॉक्स है, एक ही जैसा बॉक्स है, सिर्फ 7 प्रो के अंदर यहाँ पर प्रो लिखा गया है, बाकी जो शेप है बॉक्स की, कलर वगैरह सब कुछ सेम है। यहाँ पर फिजिकल लुक की अगर बात करें तो स्पार्क 7 का यह लुक है आपके सामने और स्पार्क 7 प्रो में
ट्रिपल कैमरा सेटअप है रेयर में, और उसका जो ये कैमरा हाउसिंग है ये थोड़े बड़े साइज़ की है। मैंने उसकी वीडियो में बोला था कि ये काफ़ी बड़ी है, अगर थोड़ी छोटी होती तो ज़्यादा खूबसूरत लगती। यहाँ पर आप खुद भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कैमरा हाउसिंग है वो ज़्यादा प्यारी लग रही है। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो आप लाजमी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर डुअल कैमरा सेटअप मिलता है आपको, स्पार्क 7 प्रो में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, और यहाँ पर रेजोल्यूशन का भी डिफरेंस है। यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप है और वहाँ पर 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप है। फ्रंट की बात करें तो यहाँ पर आपको ड्यू ड्रॉप नॉच मिलती है, जबकि टेक्नो स्पार्क 7 प्रो में आपको पंच होल कैमरा मिलता है और दोनों में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। यहाँ पर डिस्प्लेस की बात करें तो 6.5 इंच का IPS पैनल आपको मिलता है 720x1600 रेजोल्यूशन के साथ। सेम आपको स्पार्क 7 प्रो में भी 720 पिक्सल वाला IPS पैनल मिलता है, पंच होल डिस्प्ले है, लेकिन वहाँ पर एक एक्स्ट्रा फीचर आपको मिल जाता है हाई रिफ्रेश रेट का। स्पार्क 7 प्रो में आपको 90 हर्ट्ज़ का फास्ट रिफ्रेश रेट मिल जाता है, जबकि टेक्नो स्पार्क 7 में सिर्फ 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट आपको दिया गया है। PPI और DPI तकरीबन सेम है, 269 और 320, तो उसमें डिफरेंस नहीं है। डिस्प्ले की क्वालिटी भी सेम है दोनों डिवाइसेस की, सिर्फ रिफ्रेश रेट का यहाँ पर डिफरेंस आपको मिलता है। इसके अलावा चिपसेट की बात करें तो टेक्नो स्पार्क 7 में आपको MediaTek Helio G70 का चिपसेट मिलता है, जबकि स्पार्क 7 प्रो में MediaTek Helio G80 का चिपसेट दिया गया है। बैटरी की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो टेक्नो स्पार्क 7 में आपको ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है, यहाँ पर आपको बड़ी बैटरी दी गई है, 6000 mAh की बड़ी बैटरी लगाई गई है, जबकि टेक्नो स्पार्क 7 प्रो में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है। तो ये स्पार्क 7 में आपको एक बेनिफिट मिल जाता है, और 6000 mAh की बैटरी होने के साथ जो इसका वेट है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज किया गया, इतना ज़्यादा हैवी जो है इस फ़ोन को नहीं बनाया गया। और चार्जिंग की अगर बात करें तो दोनों ही फोन्स के बॉक्स में आपको 10 वाट वाली चार्जिंग ब्रेक मिलती है, मीन्स के 10 वाट की चार्जिंग को ही ये दोनों डिवाइस जो हैं सपोर्ट करती हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और डिफरेंस यहाँ पर आपको मिलेगा टेक्नो स्पार्क 7 और स्पार्क 7 प्रो में। यहाँ पर टेक्नो स्पार्क 7 जो है इसमें कोई भी एक्सटर्नल स्पीकर आपको देखने को नहीं मिलता, यहाँ पर जो एयर पीस है वही स्पीकर का काम करेगी, जबकि टेक्नो स्पार्क 7 प्रो में आपको नीचे की तरफ एक स्पीकर ग्रिल भी मिलती है, एक्सटर्नल स्पीकर भी दिया गया है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे दोनों डिवाइसेज में, टेक्नो स्पार्क 7 और स्पार्क 7 प्रो में। अब आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर कैमराज में, तो यहाँ पर क्वालिटी आप देख सकते हैं डिसेंट सी क्वालिटी आपको मिल जाती है, और डिफरेंट ऑप्शंस की बात करें तो शॉर्ट वीडियो AI कैम, ब्यूटी पोर्ट्रेट, सुपर नाइट, एयर शॉट, स्लो मोशन, पैनोरोमा, डॉक्यूमेंट, टाइम लैप्स के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। वीडियो रेजोल्यूशन की अगर बात करें तो 720, 1080p और 2K वीडियो रेजोल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, इसमें आप वीडियो शूट कर सकते हो। इसके अलावा बाकी सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। फ्रंट कैमरा की बात करें तो 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, आई ऑटो फोकस आपको यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक तरीके से आई को ऑटो फोकस कर लेता है। और इसके अलावा यहाँ पर भी शॉर्ट वीडियो वगैरह, AI कैम, तमाम ऑप्शन आपको जो है फ्रंट कैमरा भी मिल जाते हैं। और यहाँ पर वीडियो रेजोल्यूशन की बात करें तो 2K तक आप फ्रंट कैमरा से भी वीडियो शूट कर सकते हो। यहाँ पर आपको डुअल LED फ्लैश भी मिल जाती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट कैमरा के साथ आपको डुअल LED फ्लैश दी गई है, इसका भी आप यूज़ कर सकते हो। टेक्नो स्पार्क 7 में दोस्तों आपको हाई ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 7.5.0 मिलता है, जो कि एंड्रॉइड 11 बेस्ड है, और यही सेम कॉम्बिनेशन आपको टेक्नो स्पार्क 7 प्रो में भी मिलता है। यहाँ से दोस्तों साउंड एंड वाइब्रेशन में आ जाते हैं, और यहाँ पर कुछ रिंगटोन्स को मैं चला के दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसके अंदर आपको स्पीकर नहीं मिलता, एयर पीस ही स्पीकर का काम करता है। तो यहाँ पर दोस्तों एक्सटर्नल स्पीकर आपको नहीं मिलता, जैसे कि आपको बताया एयर पीस ही स्पीकर का काम करता है, और साउंड की क्वालिटी भी बहुत लो लगी है मुझे, काफ़ी जो है मतलब साउंड कम है ना, लाउड नहीं है, और बाकी जो बेस वगैरह भी है वो भी इतनी अच्छी यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। तो एक्सटर्नल स्पीकर यहाँ पर देना चाहिए था, मेरा तो यही कहना है यहाँ पर। दोस्तों ये थी अनबॉक्सिंग वीडियो टेक्नो स्पार्क 7 की, 18,999 रुपये की रिटेल प्राइस साथ अवेलेबल है। तो अगर मुझसे आप पूछेंगे ना पर्सनली, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि 1-2 हज़ार रुपये भर के आप जो है टेक्नो स्पार्क 7 प्रो ले लें, वो बेहतर है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आपका क्या सोचना है इस डिवाइस के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।